जिस तरह से तप करने के बाद एक तपस्वी को ईश्वर की प्राप्ति होती है, ठीक उसी तरह विद्यार्थियों को भी सफलता प्राप्त होती है जब वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तप के समान जीवन जीता है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग है। बिना शिक्षा के व्यक्ति कभी भी सफलता नहीं पा सकता है। आचार्य चाणक्य ने भी शिक्षा को सबसे शीर्ष दर्जा दिया है। उन्होंने चाणक्य नीति के माध्यम से अनगिनत युवाओं को यह समझाया है कि व्यक्ति को विद्या ग्रहण करने से क्या क्या लाभ मिलता है। आपको बता दें कि आचार्य चाणक्य की गणना विश्व के श्रेष्ठतम विद्वानों में की जाती है। उनके ही नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी और धनानंद का अहंकार तोड़ा था। इसके साथ ही आज भी चाणक्य नीति को न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी पढ़ा जाता है। वही यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी चाणक्य नीति को अमूल्य माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए चाणक्य नीति से यूपीएससी में सफलता पाने के कुछ मूल मंत्र लेकर आए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। नंबर 1, गलतियों से सीखे और आगे बढ़े। यूपीएससी की तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवारों के लिए आचार्य चाणक्य की सबसे जरूरी नीति यही है कि उम्मीदवारों को हमेशा अपनी गलतियों से सीख लेते रहना चाहिए और उन सभी गलतियों को ठीक कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि यूपीएससी की तैयारियों के दौरान उम्मीदवार कई तरह की मामूली सी गलतियां कर बैठते हैं और उनको लगता है कि इससे क्या ही हो जाएगा, लेकिन यही छोटी सी गलती आगे चलकर उनकी असफलता का कारण बन जाती है। इसलिए उम्मीदवारों को हमेशा अपनी छोटी से छोटी गलतियों में सुधार कर आगे की तैयारी शुरू करनी चाहिए। अपनी गलतियों के साथ ही उम्मीदवारों को दूसरों की गलतियों से भी सीख लेनी चाहिए ताकि किसी भी तरह से वह परीक्षा में असफल ना हो। आचार्य चाणक्य ने अपनी इस नीति में सभी को अपनी गलतियों से सीख लेते हुए आगे बढ़ने की सलाह दी है। नंबर 2, असफलता से कभी ना डरे। कई बार देखा जाता है कि यूपीएससी हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, कई छात्र एक या दो बार मिली असफलता से डर कर बीच में ही तैयारी छोड़ देते हैं और अपनी आईएएस या आईपीएस बनने के सपने को त्याग देते हैं। लेकिन उम्मीदवारों को बार बार मिल रही असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनको उस वजह को जानना चाहिए जिस वजह से उनको असफलता मिल रही है। वहीं कई उम्मीदवारों का कहना होता है कि यूपीएससी का सिलेबस काफी विशाल है, इसे पूरा करना बहुत कठिन है। इसी सोच के बाद वह यूपीएससी की परीक्षा देने से पहले ही असफलता से घबरा जाते हैं और परीक्षा देने का प्रयास ही नहीं करते। आचार्य चाणक्य अपनी इस नीति से सभी को यही सिखाते हैं कि चाहे मुश्किलें कितनी भी क्यों ना हो, जब तक आप प्रयास नहीं करोगे तब तक आपको इसमें सफलता नहीं मिलेगी। असफलता के डर से आप मेहनत करने से ना डरें। अगर आपने सच्ची मेहनत और लगन से तैयारी की होगी तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। नंबर 3, एक आदर्श विद्यार्थी बने। एक आदर्श विद्यार्थी वही है जो किसी भी परिस्थिति में सीखने को तत्पर हो। उसका काम हर मुश्किलों का सामना कर केवल शिक्षा ग्रहण करना होता है। सबसे बड़ी बात है कि कौन से सोर्सेस से यूपीएससी की तैयारी की जाए, क्योंकि ज्यादातर टॉपर्स का मानना है कि उम्मीदवारों को अपने सोर्सेस को हमेशा लिमिटेड ही रखना चाहिए। इसलिए उम्मीदवारों को सबसे पहले अपने लिए कुछ अच्छे सोर्स का चयन करना चाहिए जिससे उनको परीक्षा की तैयारी में आसानी हो और वह समय रहते अपनी तैयारियों को पूरा कर सके। इसके साथ ही उम्मीदवारों को अपने सोर्सेस को लिमिटेड रखने की बात भी कही जाती है, क्योंकि जितनी ज्यादा जगहों से उम्मीदवार पढ़ेंगे उनका समय सिलेबस पूरा करने में उतना ही लगेगा। साथ ही एक आदर्श विद्यार्थी बनने के लिए आपको अपनी तैयारी के लिए एक अच्छा टाइम टेबल बनाने की जरूरत है जिससे आप समय से अपनी तैयारियों को पूरा कर सके। नंबर 4, लक्ष्य प्राप्ति पर रखे ध्यान। यूपीएससी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के मन में कई बार नेगेटिव बातें आने लगती है जिस वजह से वह अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। इस सिचुएशन में उम्मीदवारों को अपने परिवारजनों, दोस्तों और गुरुओं से बात करनी चाहिए जिससे वह अपने मन में आने वाली नेगेटिव बातों को उनकी सलाह से दूर कर सके और उम्मीदवार अपनी तैयारी पर ध्यान लगा सके। इस सिचुएशन में उम्मीदवार अपने मन को शांत करने के लिए मूवीज, बुक्स, म्यूजिक
या अपने पसंद का कोई भी स्पोर्ट खेल सकते हैं। इससे उनको अपने आप को रिफ्रेश कर फिर से पढ़ाई में ध्यान लगाने में मदद मिलती है। नंबर 5, पर्याप्त नींद है जरूरी। यह बात तो हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए एक स्वस्थ शरीर सबसे ज्यादा जरूरी है और एक स्वस्थ शरीर के लिए पर्याप्त नींद काफी जरूरी है। UPSC में सफलता पाने के लिए उम्मीदवारों को काफी पढ़ना पड़ता है। कई उम्मीदवार जल्दी सिलेबस पूरा करने के लिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते और घंटों एक ही जगह पर बैठकर पढ़ाई करते हैं, जिससे उनको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। UPSC के सभी उम्मीदवारों के लिए आचार्य चाणक्य की यह नीति काफी फायदेमंद है। उनका मानना था कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आपको सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखने की जरूरत है, जिसके लिए आपको पर्याप्त नींद लेनी जरूरी है। इसके बिना आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आप भी UPSC की परीक्षा में सफलता पाकर एक IAS या IPS बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपको भी आचार्य चाणक्य की इन नीतियों का पालन करना चाहिए। इन नीतियों का पालन करने से आप जरूर अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।